नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। केरल सीरियल ब्लास्ट से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। धमाके के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धमाकों के मद्देनजर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी तरह से मुंबई पुलिस ने त्योहारी सीजन और आगामी क्रिकेट मैचों को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण मुंबई के यहूदी केंद्र चबाड़ हाउस में पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि स्पेशल सेल लगातार खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है, किसी भी इनपुट को गंभीरता से लिया जा रहा है, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उधर यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है। इसका कारण इजराइल हमास युद्ध और अब केरल में हुए सिलसिलेवार बम धमाके हैं। साथ ही एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एनआईए ने हाल ही में लखनऊ समेत 7 जिलों में छापेमारी की है। आपको बता दें कि केरल के कलामासेरी में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान धमाके हुए। इन धमाकों में 12 साल की एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। वहीं धमाके के बाद ईसाइयों के यहोवा के साक्षी संप्रदाय का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ घंटे बाद ही त्रिशूर जिला पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।